तो अब आज यह एनालिस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस को हम पढ़े चैप्टर इलेवन का लास्ट टॉपिक है तो एनोवा हम कब यूज करते हैं जब हमें दो से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन uh, की इक्वलिटी को हमने मालूम चेक करना हो कि वो इक्वल है या नहीं तो अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा पॉपुलेशन है तीन पांच या दस जितनी भी है तो हम उनसे सैंपल ड्रॉ करते हैं उन सैंपल के जो सैंपल मीन्स होते हैं uh, हम उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं उनमें कितना डिफरेंस है क्या उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट एनफ है अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि जिन पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ हुए उनके मीन्स जो है वो इक्वल नहीं है और अगर ये जो सैप्ल के मीन्स के तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सैंपलिंग की वजह से कुछ ना कुछ एरर तो होती है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा तो अगर जो डिफरेंस है बिटवीन सैम्पल मीन्स इज नॉट सिग्निफिकेंट एनफ तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जिन पॉपुलेशन से ड्रॉ है उनके मीन्स जो है वो इक्वल है तो हम जब कब यूज करते हैं अनोवा को जब हमने uh, दो से ज्यादा पॉपुलेशन uh, के मीन्स की क्वालिटी को चेक करना जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ एक्जाम्पल वन है कि इस दी माइलेज ऑफ फाइव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ऑयल आर सेम तो अब फाइव डिफरेंट ब्रांड्स ऑयल है उनका एवरेज माइलेज आपने चेक करना है कि वो सेम है या नहीं तो यहाँ पे पांच आपके पास पॉपुलेशन है और आप उनके मीन की इक्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम आप एनोवर से सॉल्व करेंगे इस टू है आपके पास कि ऑफ फोर डिफरेंट ट्रेनिंग द फास्टेस्ट लर्निंग रिकॉर्ड तो चार डिफरेंट आपके पास ट्रेनिंग मैथड है चार पॉपुलेशन है आप आप ये मालूम करना चाहते हैं कि की इनसे जो आपके पास लर्निंग है वो किसकी फास्टेस्ट है तो आप नल नल्हापुर सपोज करेंगे कि सबसे लर्निंग सेम है यानी इनके जो मीन है वो इक्वल है तो ये भी जो आपके पास प्रॉब्लम है इसमें आप चार डिफरेंट पॉपुलशन के मीन की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो एनोवा की प्रॉब्लम है इसको आप एनोवा से सॉल्व करेंगे तो तो आज ये एनोवा तो को हमने डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन कर लिया अब आज इसको करते हैं किस तरह तो अब इसके अंदर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो आप समझ ली इसके बेसिक तो सबसे पहले इसमें ये हम करती है जरूरी होती है कि हर पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल हो या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो और ईच पॉपुलेशन हैज द सेम दैरियर्स क्योंकि हम ये नल हापोजिशन हम सपोज कर रहे हैं चारों जो आपके पास पॉपुलेशन के मीन है वो इक्वल है इस बात को कहने का ये तरीका भी है कि आप कह सकते हैं कि जो चार डिफरेंट सैंपल्स हैं जितने भी आप डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं दे कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं तो उसका मतलब यही है क्योंकि वो सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं तो वो सारे जो मीन्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए या दूसरे अल्फाज में क्योंकि वो सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं तो उन पॉपुलेशन का जो वेरियंस होगा आपके पास वो सेम होगा तो ये दूसरी एजम्पन है जो एनोवा में हमको रिक्वायर्ड होती है तो अब, है, अब इसका प्रिंसिपल आपके, आपके पास क्या इसमें तरीके कार क्या है इसमें हम आ, क्या प्रिंसिपल यूज करके एनोवा में जो है ये चेक करते हैं कि जो डिफरेंट आपके पास पॉपुलेशन के मीन्स है वो इक्वल है नहीं तो इसमें आपके पास जो है एनोवा के अंदर हम जो दो वेरियंसिस को

जो वेरिएशन है वो एम एन सैंपल है तो आप पहले इसको मालूम करेंगे आपके पास डिफरेंट सैंपल से आपके पास चार सैम्पल से चार पॉपुलेशन है चार सैंपल्स आपने ड्रा करे तो उन चारों सैंपल्स के दरमियान वेरिएशन होगा वो एम एन दी सैंपल्स है आपके पास है बिटवीन सैंपल्स है या आउटसाइड है वो आउटसाइड वेरिएंस है और ये खुद एक सैंपल हर सैंपल के अंदर

हम अपने नल को एक्सेप्ट कर लेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये साबित हो जाएगा कि जो भी डिफरेंट पॉपुलेशन मीस है ना तो ये आपके पास इसका बुनियादी असूल है, है कि आपके पास एनोवा एनोवा इज बेस्ड ऑन कंपेयरिंग टू जो है वो दो वेरियंसिस को कंपेयर करने पर बेस करता है तो दे आर आर टू सोर्सेज ऑफ वेरिएशन तो आपके पास वेरियंस की दो सोर्सेज है कौन कौन सी है एक तो वेरियंस है एमंग सैंपल्स जिसको हम कहते हैं बिटवीन कॉलम वेरियंस क्योंकि हर सैंपल एक कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये बिटवीन कॉलम वेरियंस है ये हर सैंपल्स के आउटसाइड वेरियंस है सैंपल्स के दरमियान या एमरियंस या बिटवीन कॉलम वेरियंस है इसको हम बिटवीन के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्ट होता है बी तो ये सिग्मा बी स्क्वायर ये एक आपके पास वेरियंस है अच्छा अब जो दूसरी सोर्स है आपके पास वेरियंस की वो है वेरियस विद इन ए सैंपल वेरियस विद इन सैंपल्स तो ये विद इन कॉलम वेरियंस है तो हम मुख्तिस सैंपल्स को डिफरेंट कॉलम्स पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सैंपल्स के दरमियान जो होगा वो मुख्तिक कॉलम्स के दरमियान वेरियंस होगा सिग्मा सब बे स्क्वायर और एक के अंदर या किसी एक कॉलम में जो आपने सैंपल रिप्रेजेंट किया खुद उस कॉलम के अंदर उस सैंपल के अंदर सब डब्ल्यू स्क्वायर है तो आप क्योंकि एक, एक ही पॉपुलेशन के वेरियंसिस हैं तो देवल तो दीज टू वेरियंसिस विच इज सेम फॉर इच पॉपुलेशन तो फिर हम इको कंपेयर करेंगे हम देखेंगे क्या इनके दरमियान जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट एनफ है तो so uh, तो अगर ये अप्रोक्सिमेटली इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास जितने भी डिफरेंट पॉपुलेशन मीन इक्वल और अगर ये uh, जो है डिफरेंस जो है आपके पास है आप करेंगे क्या इनके डिफरेंस significant enough है? अगर सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब ये होगा कि जो पॉपुलेशन के जो मीन्स है आपके पास वो डिफरेंट uh, है और अगर ये सिग्निफिकेंट एनफ नहीं है सेम है तो उसका मतलब ये ये होगा कि जो के, जो पॉपुलेशन के दे आर इक्वल तो ये इसका प्रिंसिपल है आपके पास एनोवा का तो अगर आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू सोर्सिस ऑफ वेरेंसीज है इफ इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट एनएफ है येस देन मीन्स आर नॉट इक्वल और अगर इनका जो डिफरेंस है इज नॉट सिग्निफिकेंट एनफ तो देन मीन्स आर इक्वल ठीक है ना तो ये आपके पास प्रिंसिपल है तो अब आ जाइए अब एनोवा में हम जो है

तो एनोवा के अंदर जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है दो को तो, की जो रेशो आप बनाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है तो इसलिए हम एनोवा में एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ठीक है थीके? तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक और यूज है जो एनोवा में होता है तो अब एनोवा जो है ये दो टाइप्स का होता है आपके पास एक वन वे एनोवा और एक टू वे एनोवा वन वे एनोवा और टू एनोवा में क्या फर्क है डिपेंड करता है आप जो पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड करते पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स अगर आपकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ एक फैक्टर की बेस पर डिवाइड होती है तो इस यहाँ पे जो हम एनोवा यूज करते हैं वन वे एनोवा है और अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो दो फैक्टर्स की बेस पर डिवाइड होती है तो फिर हम टू वे एनोवा पढ़ते हैं हम जो है यहाँ पे वन वे एनोवा पढ़ेंगे टू वे एनोवा नहीं पढ़ेंगे ये एडवांस टेक्निक है आ, मतलब बे, बेसिक तो वही है लेकिन हम वन वे एनोवा जो है पढ़ेंगे तो वन वे एनोवा में जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो जो है सिर्फ एक फैक्टर की बेस पर डिवाइड होगी जैसे आप सेल्स को देखते हैं कि वो अक्रॉस एज ग्रुप सेल्स कितनी है तो यहाँ पे जो आप डिवाइड कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन सेल्स की पॉपुलेशन को वो ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप कर रहे हैं एक फैक्टर की बेस पर कर रहे हैं तो ये वन वे डिविजन है वन वे एनोवा यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो हम वन वे एनोवा जो है अब इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस टेस्ट ही है तो इसमें हम जो है स्टेप वन में हम अपना नल हाइपोथेसिस बताएंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएंगे और लेवल बताएंगे तो हमारा नल हाइपोथेसिस एस सब जीरो क्या होगा कि जितने भी पॉपुलेशन आपको गिवन है, है वो all of them are equal. जितने भी है आपका होगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा नॉट ऑल मीनस आर इक्वल इनमें से कोई एक भी अगर ज्यादा है डिफरेंट है तो आपके पास जो है ये अल्टरनेट है हाँ तो इसके अंदर आप उसको स्टेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने भी मीन्स है नॉट ऑल आर इक्वल इनमें से कोई एक भी मीन जो है वो इक्वल नहीं है तो एनोवा जो होगा हमेशा वो राइट टेल टेस्ट होगा आपकी जो रिजेक्शन रीजन होगा वो हमेशा राइट टेल में होगा क्योंकि मोर देन टू के लिए तो मोर देन टू के लिए जो भी टेस्ट बनता है वो राइट टेल टेस्ट बनता है तो स्टेप वन हो गया आपके पास वन वे एनोवा का अब आ जाए स्टेप टू ये उसी तरह के स्टेप जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसमें नई चीज नहीं है अब स्टेप टू में क्योंकि आप एनोवा के अंदर जो है दो वेरेंसिस को कंपेयर करते हैं तो इसलिए आप यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज करेंगे जब आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो फिर आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी टेबल से तो आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए आपको जो है तीन चीजें चाहिए होती हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर चाहिए होती है आपके पास डी एक डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपको चाहिए होती है डी और एक आपके पास एरिया टू दी राइव चाहिए होता है तो इधर टू दी राइट तो अल्फा के बराबर होगा आप डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर और डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास क्या होगा तो उसमें जो न्यूमरेटर की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है न्यूमरेटर में हम जो है वो बैलेंस यूज करेंगे जो बिटवीन कॉलम्स है तो जो आपके पास न्यूमरेटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ सैंपल्स माइनस वन कितने सैंपल्स आपके पास उससे एक वैल्यू आप कम कर देंगे तो ये आपके पास न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है के क्या आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स है अगर चार सैंपल्स तो है तो के की वैल्यू फोर है पांच पॉपुलेशन है तो पांच सैंपल्स होंगे के की वैल्यू होगी तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमिनेटर होगी वो के माइनस वन होगी स्मॉल के का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स अच्छा ये तो की डिग्री होगी अब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है आपके पास वो हम तरह निकालेंगे अब आपके पास आपके पास जितने भी सैंपल है हर सैंपल का अपना साइज होगा तो किसी भी सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंडेक्स यूज करूंगा जे ये जेद सैंपल है तो एन जे का मतलब है साइज ऑफ देद सैंपल और के uh, का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स और एन टी का मतलब है टोटल सैंपल साइज यानी अगर आप तमाम के साइज़ को एड कर ले समीशन ऑफ तो ये आपको एन टी मिलेगा एन टी का मतलब है टोटल सैंपल साइज तो आपके पास जितने भी सैंपल हैं हर सैंपल की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास होगी वो क्या होगी एन माइनस वन ठीक है ना तो अगर आपके पास फर्स्ट करें चार सैंपल है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी एन वन माइनस वन दूसरे सैंपल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी एन टू माइनस वन तीसरे की होगी एन थ्री माइनस वन चौथे की होगी एन फोर माइनस वन तो आप तमाम सैंपल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऐड कर लेंगे तो ये समेशन ऑफ एनजे माइनस वन आ जाएगा तो ये आपके पास जो है डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी अगर आप समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करें तो समेशन ऑफ एनजे जो है ये एनटी होगा और समेशन ऑफ वन जो है के है तो आप इस फॉर्मुले से भी निकाल सकते हैं एनटी माइनस के से एनटी क्या है ये सम ऑफ ऑल सैंपल साइजेज टोटल सैंपल और के क्या है नंबर ऑफ सैंपल्स तो चाहे इससे निकाले समेशन ऑफ एजीए माइनस वन ये जितने भी आपके पास सैंपल है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एन जे माइनस वन है तो, तो तमाम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास जो है डिनोमीटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो नियोमीटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस वन डिनोमीटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है समेशन ऑफ एनजे माइनस वन या एन सब टी माइनस के तो यहाँ से आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी और फिर आप इसको यूज करके अल्फा जो एरिया टू द राइट उसको यूज करके आपके पास जो के Uh, जो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसके क्रिटिकल वैल्यू जो है एफ के टेबल से निकाल देंगे तो स्टेप टू तो हो गया आपके पास जिसमें आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है जहां पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन है फिर आप उसके क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं अब अब स्टेप थ्री में जो है जो आप एस्टिमेटेड वेरियंस है बिटवीन सैंपल आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एस्टिमेटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए मैं सैंपल डेटा यूज करूंगा इसलिए मैंने इसके ऊपर कैप लगाया तो मैंने, मैंने आपको बताया कि दो आपके पास सोर्सेज होती हैं वेरिएंस की एनोवा में एक आपके पास वेरियंस होता है अब बिटवीन कॉलम सिग्मा सब बी स्क्वायर है इसको अगर आप सैंपल डेटा से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप हो जाएगा और जो दूसरी आपके पास वेरिएशन की सोर्स है वो विद इन सैंपल है यानी विद इन कॉलम वेरियंस है सिग्मा सब डब्ल्यू स्क्वायर है अगर आप इसको सैंपल के डेटा से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस उसका आप कैप लग जाएगा तो आपके पास सैंपल का डेटा होता है पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता तो आप इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज है वो कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप थ्री में आप ये काम करेंगे स्टेप थ्री में फाइंड एस्टिमेटेड बिटवीन सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप और फाइंड एस्टिमेटेड विद इन सैपल सिग्मा सब डब्लू स्क्वायर कैप ये आप निकाल लेंगे फिर उसके बाद जो है अच्छा अभी आप निकालेंगे किस तरह आप इनके फार्मूले क्या होंगे तो ये फार्मूले मैं आपको समझा देता तो हूँ सबसे पहले आ जाए कैलकुलेटिंग दी वेरियस एग देंस तो सैम्पल मीन्स के दरमियान वैरियंस है बिटवीन बिटवीन uh, जो कॉलम है वो हम निकालते हैं इसके एस्टिमेटेड वैल्यू सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप इसको हम किस तरह निकालेंगे तो इसका निकालने के लिए याद ये सैंपल के दरमियान वेरियस है तो हम सबसे पहले फाइंड मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन तमाम सैंपल मीन का आप मीन मालूम कर ले इसको हम कहते हैं ग्रैंड मीन ये मीन का मीन है मीन ऑफ द दीन्स तो क्योंकि जो मीन होता है एक्स बार होता है और ये जो सैंपल मीन है एक्स बार ये उसका भी मीन है तो ये एक्स डबल बार है एक्स डबल बार का मतलब क्या है ये मीन ऑफ द मीनस है इसको हम कह रहे हैं ग्रैंड मीन तो तमाम सैंपल मीनस का आप मीन निकालें या आप किस तरह निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा जो भी आपके पास सैंपल किसी भी जेत सैंपल का जो मीन है एक्स जे बार उसको आप उस सैंपल के साइज से मल्टीप्लाई कर एन जे से उसका सम ले ले और डिवाइड कर दें टोटल सैंपल साइज से तो या तो या आप इस से निकाल लें या ये फॉर्मुला है कि जो भी आपके पास हर सैंपल का जो मीन है उसको एड करके आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ सैंपल से X, J, bar, आप किसी भी फाउंडेशन निकाल सकते हैं अब बाजार अगर सैंपल मीन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यही फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा या फिर आपको ये सैंपल मीन पहले निकालना पड़ेगा

अब जो है आपके पास जो वेरियंस है, है अब सैंपल के जो है क्योंकि यहाँ पर आप बिटवीन सैंपल निकाल रहे हैं तो पहले आपने जितने भी सैंपल मीनस थे उनका मीन निकाल लिया ने ग्रैंड मीन जो आपके पास है एक्स डबल बार फिर आप ये जो सैंपल मीन्स का वेरियंस है ये किस तरह निकालेंगे ये इसका फॉर्मूला वेरियंस का तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है जो भी वैरियस उसमें से आप मीन को माइनस करके स्क्वायर करते सम लेते हैं और टोटल डिवाइड कर, तो तो कर चुके हैं ठीक है तो एक्स हर सैंपल के मीन में से आप जो है ग्रैंड मीन माइनस करें उसका स्क्वायर लें उसका सम ले लें और फिर उसको डिवाइड कर दें आप कितने सैंपल्स थे आपके पास के थे तो के माइनस वन वैसे n माइनस वन से करते तो यहाँ पे n की जगह के, के आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ सैंपल

सिग्मा सब एक्स पार ये किसके बराबर होती है सिग्मा पॉन अंडर रू टेन यहाँ पर सिग्मा आपके पॉपुलेशन का डेविएशन होता है और एन आपके पास क्या होता है, जो है जो आपने का किया। तो यहाँ से आप, जो है, Sigma, आप उसको सोल्व कर ले इसको सिग्मा स्क्वायर के लिए सोल्व कर ले सिगमा स्क्वायर करेंगे तो एन के ऊपर से रूल खत्म हो जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर यानी यहाँ से पॉपुलेशन वेरियस सिगमा स्क्वायर क्या मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा सिगमा ये जो एर ऑफ मीन है इसका square, तो ये जो है आपके पास फार्मूला हो गया पॉपुलेशन वेरियस को निकालने के लिए तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा सब एक्सपायर स्क्वायर है इसकी वैल्यू नहीं है इसकी जगह हमने ये मीन आ, की जो एस्टिमेटेड वैल्यू सैंपल मीन के निकाल है। की निकाली यानी सिग्मा सब एक्सपायर स्क्वायर की जगह हमारे पास एस सब एक्सपायर स्क्वायर है तो हम जो है इसकी जगह ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू यूज करेंगे तो इसलिए जो हमें पॉपुलेशन वेरियंस की वैल्यू मिलेगी एस्टिमेटेड होगी इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया तो ये सिग्मा स्क्वायर कैप एक्सपायर स्क्वायर की जगह हमारे पास ये आ जाएगा एस सब एक्सपायर स्क्वायर जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है इसको हम पुट कर देंगे इन टू एन ठीक है ना तो अब एस बार ए, ये जो आपके पास वेरियस समेक सैम्पल मीन है फिर इसके फॉर्मुले की वैल्यू रख दी बार माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर के माइनस वन ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास जो है फॉर्मुला बन गया तो यहां से जो है आप एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे पॉपुलेशन वेरियंस की अच्छा अब यहाँ पे n क्या यूज होगा n तो आपके पास अगर एक सैंपल होता है तो सैंपल का साइज है तो अब यहाँ पे एक से ज्यादा सैंपल है तो वट शुड बी n ये n जो है आपके पास ये क्या होना चाहिए सैंपल साइज आपके पास क्या होना चाहिए तो आप हर सैंपल को मल्टीप्लाई करेंगे बाय इट्स ओन सैंपल साइज एन जे हर सैंपल को आप मल्टीप्लाई करेंगे खुद उसके सैंपल साइज एन जे से

Uh, आप जो बिटवीन कॉलम वैरियंस है आप उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे यानी सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप ठीक है ना तो ये तो पहला हमने वेरेंस निकाल लिया जो बिटवीन कॉलम वेरियंस है अब हम दूसरा वैरेंस निकालते हैं तो ये जो में आपको बता रहे हैं जो सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप ये बिटवीन कॉलम है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है एन जो है ये साइज ऑफ देज सैंपल है आपके पास एक्स जे बार जो है सैंपल मीन ऑफ देथ सैंपल है और एक्स डबल बार आपके पास ग्रैंड मीन है मीन ऑफ मीन्स है ये सैंपल mean मीन mean का मीन है और के जो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स है ठीक है ना तो जैसे फर्स्ट करें जैसे मैं आपको साथ में एक क्वेश्चन जो है उसके एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ जैसे ये फर्श करेंगे ये आपके पास ये चार आपको सैंपल दिए हुए फ्री क्या ये डेटा है आपने इसकी वैल्यू का सम ले लिया समेशन एक्स सबके एक्स की वैल्यूज है इनका सम ले लिया इसमें सैंपल साइज आपको दिया हुआ इसमें फाइव वैल्यूज है इसमें फाइव सब में फाइव फाइव वैल्यूज है तो एन वन फाइव है एन टू फाइव है एन थ्री फाइव है एन फोर फाइव है और टोटल चार सैंपल है तो के की वैल्यू फोर है तो अब इसमें आपने सैंपल मीन निकाल लिया बार बार आपने किसने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास सैम्पल मीन का जो होता है उससे आपने जो है सबके मीन, मीन, सब मीन निकाली ये एक्स बार आ गए फिर आपने क्या निकालना समेशन एक्स स्क्वायर वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यूज के स्क्वायर आपने ले लिए उनका सम ले लिया ये आ गया फिर आपने इनके वेरियंसिस को निकालना है. तो अब वेरेंसिस जो आप निकालेंगे तो आपको पता है ये फार्मूला आप यूज करेंगे जो मीन होगा आपके पास किसी भी सैंपल का समेशन समिशन ओवर एन से निकालेंगे सैंपल वेरियंस आप इस फॉर्मुले से निकाल लें एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन माइनस वन तो फिर आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आप इस फॉर्मुले से निकाल लें तो इसमें फिर आपको एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो किसी भी शॉर्टकट फॉर्मले से आप निकाल लेंगे वेरियंस तो ये वेरियंस जो है यहाँ पर ये जो है मैंने निकाल दिए है अब जैसे इसमें ये जो है जो बिटवीन सैम्पल वेरियंस उसके एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है सब बी स्क्वायर कैप क्या फॉर्मूला होता है समीशन एन जे ब्रैकेट एक्स जे बार माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर अपाउंड के माइनस वन तो ऊपर जो उसने ग्रैंड मीन निकाला है ग्रैंड मीन जो है वो हमने किस तरह निकाला है हमने ये जितने भी समीशन एक्स थे फोर ट्वेंटी फोर फिफ्टी थ्री सेवेंटी नाइन थ्री नाइनटी सबको एड करके जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है यानी एन टी से डिवाइड कर दिया एन टी क्या है फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव ट्वेंटी से डिवाइड कर दिया तो ये तमाम मीन का मीन आ गया एटी वन पॉइंट नाइन फाइव अब जब हम ये बिटवीन सैंपल वैनिस निकालेंगे ये इसका है पहले आप हर सैंपल मीन में से ग्रैंड मीन को माइनस करके स्क्वायर करें फिर उसको सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करके आप सम ले ले और नीचे के वन से डिवाइड करें अब तो जैसे आपके पास ये पहला सैंपल सैंपल इसका साइज है फाइव, तो फाइव को मल्टीप्लाई किया इसके मीन एक्स बार इसका मीन आपके पास एटी फोर माइनस इसमें से आपने ग्रैंड मीन एक्स डबल बार माइनस कर दिया एटी वन पॉइंट नाइन फाइव तो इसके मीन में से ग्रैंड मीन माइनस करके स्क्वायर लिया और इसके सैंपल साइज से मल्टीप्लाई किया इस तरह हर सैंपल के लिए क्या इसका जो मीन है नाइनटी इसमें से ग्रैंड मीन माइनस करके स्क्वायर लिया और इसको इसके साइज से डिवाइड किया सब में कॉमन आ गया इसी तरह इसके में से X mean mean, mean को माइनस किया इसका लिया और फाइव से मल्टीप्लाई किया माइनस करके स्क्वायर लिया और उसके सैंपल मीन से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह कैलकुलेशन हो गई ऊपर वाली नीचे के माइनस वन के आपके कैलकुलेशन कर ली तो ये आपके पास जो बिटवीन सैंपल मीन है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई तो इस तरीके से जो है आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो दोबारा आ जाए अब ये जो मैं आपको बता रहा था तो दोनों कैलकुलेशन तो हो जाएगी आपके पास अब इसके अंदर आज आप दूसरा वेरियंस हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटिंग दैरियस विद इन दैंपल्स अब खुद एक सैंपल्स के सैम्पल्स के अंदर जो वेरियस है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू किस तरह एस्टिमेट करेंगे क्योंकि हम सैंपल के डेटा से इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे इसलिए कैप लगा रहा हूँ तो ये सिग्मा, डब्लू, डब्लू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर तो कैप, कैप का मतलब हर सैंपल का वेरियंस जो आप यहां से निकाल लें ये फॉर्मुला आपको पता है कि हर सैंपल में जो भी वैल्यूज है एक्स उसमें, से उसमें से के मीन को माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो अब हर सैंपल का जो वेरियंस आपके पास आ गया अब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेटिंग फैक्टर से वेटिंग फैक्टर क्या होगा जो उसके सैंपल साइज और टोटल सैंपल साइज का फ्रैक्शन होगा तो आप जैसे आपने पहले सैंपल का वैरेंस निकाला उसको मल्टीप्लाई करें उस सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेन जे माइनस वन से और जो नीचे डिवाइड करते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो के एंटी माइनस के एन टी आपके पास क्या होता है ये तमाम सैंपल्स का सम होता है एंटी माइनस के तो ये आपके पास जो उसका वेटिंग फैक्टर है तो ये हर सैंपल के वैरेंस का ये वेटिंग फैक्टर बनेगा

और एन टी ये क्या है सम ऑफ ऑल सैंपल वैल्यू टोटल सैंपल साइज है ठीक है ना तो इस फॉर्मुले से जो है ये आपके पास विद इन कॉलम वेरियस के पर मैं दिखा रहा हूँ अब जैसे ये विद इन कॉलम वेरियंस हमने निकालना तो ये इसका माइनस वन डिवाइडेड बाई एन टी माइनस के ओवर एच जे स्क्वायर तो अब ये हर सैंपल का वेरियंसिस हमने निकाल लगे ट्वेंटी पहले सैंपल का वेरियंस है ट्वेंटी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन जे माइनस वन एनजे आपके पास इसका सैंपल साइज है 5, तो फाइव माइनस वन वो फोर हो जाएगा तो क्योंकि सब सैंपल साइज बराबर है तो सब में जे माइनस वन फोर आएगा तो फोर ऊपर कॉमन ले लिया और नीचे NT NT क्या है ट्वेंटी माइनस 5 5 5 5, के कितने सैंपल है चार तो नीचे आपके पास एन टी माइनस के सब में सेम है यह आ गया और फिर ये जो तमाम सैंपल के वैलेंसिस को मल्टीप्लाई करें फैक्टर से ये आपके पास ट्वेंटी सेवन पॉइंटी सेवन पॉइंट सेवन ट्वेंटी तो इस तरह ये आपके पास जो 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 एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई तो इस की इस तरीके मतलब से से मदद है है आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आप थर्ड स्टेप में आप कर लेंगे या आप शुरू में ही कर लें तो ये आपके पास जो इन एस्टिमेट और इन कॉलम वैरेंस आ गए तो अब दोनों वैरेंस आपके पास क्या एक ही पॉपुलेशन uh, के वैरेंस हैं तो ये मस्ट बी सेम अब उसके बाद जो हम एफ अब जो आप यहाँ पे इन दोनों वैरेंसिस को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों वैलेंस को जब हम रेशो बनाते हैं उसकी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है तो यहाँ पर हम सैंपल एफ स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर ये जो वैलेंस यूज कर रहे हैं सैम्पल डेटा को हमने यूज करके कैलकुलेट किया करें तो इसलिए जो एफ स्टेटिस्टिक्स है ये सैंपल एफ स्टेटिस्टिक्स है सैम्पल की वैल्यूज को कैलकुलेट करके मालूम की गई है तो अब हम एफ स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे दैट इज द रेशियो बिटवीन कॉलम वेरिएंस यानी सिग्मा सब बी स्क्वायर कैप एंड विद इन कॉलम वेरियस सिग्मा सब स्क्वायर कैप जो ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं आप इनकी रेशियो निकाल लें फिर स्टेप में आप वही करेंगे अब आप, आप इसकी लोकेशन चेक करेंगे ये ये एक्सेप्टेंस रीजन में है ये जो सैंपल सैंपल इसकी लोकेशन क्या है अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में तो हम नल हाइपोथिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और अगर ये रिजेक्शन रीजन में तो हम नल हाइपोस को रिजेक्ट कर देंगे और उसी तरह जो है आप अपना कंक्लूजन uh, ड्रॉ कर लेंगे तो अब जैसे इसके मैं एक एक्सरसाइज जो आप करवाता हूँ एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर है तो क्वेश्चन है purchase, तो, ये चार की को पर, इनको तो यहाँ पर डिवाइड हो रही है ऑन दी प्रोमोशन ऑन सेल्स यानी एक फैक्टर पर डिवाइड हो रही है तो इसलिए ये वन फैक्टर एनालिसिस है ये वन फैक्टर यूज करेंगे हम यहाँ पे तो यूनिट सेल्स फाइव स्टोर्स पांच स्टोर्स की जो यूनिट सेल है वो आपको बता रहा है यूजिंग ऑल फोर प्रोमोशन इन डिफरेंट मंथ फॉलो तो ये आपको दी हुई है पांच आपके पास स्टोर है, है। पांच पॉपुलेशन है और उसमें जो डिवीजन का जो डिवीजन की जो बेस है वो प्रोमोशन है आपके पास सेल्स के ऊपर टाइप की प्रोमोशन है अब ये डेटा आपको दिया हुआ है अब इसमें कंप्यूट दी मेन यूनिट सेल्स फॉर ईच प्रमोशन हर प्रोमोशन की मेन यूनिट सेल निकाले डिटरमाइन दी ग्रैंड मीन ऑफ फिर ग्रैंड मीन मालूम कर लें फिर एस्टिमेट दी पॉपुलेशन वेरियंस यूजिंग दी बिटवीन कॉलम वेरियंस फिर एस्टिमेट दी पॉपुलेशन वेरियंस यूजिंग दी विद इन कॉलम वेरियंस तो बिटवीन कॉलम वेरियंस एस्टिमेट करना है विद इन कॉलम वेरियस एस्टिमेट करना है

पॉपुलेशन uh, के जो मीन आपके पास दे आर इक्वल ठीक है ना तो अब इसमें अब इसमें जो आपके पास ये आप जो इसके अंदर आपको जो आपको डेटा दिया हुआ था टेबल के अंदर तो इसके अंदर ये डेटा आपको दिया हुआ टेबल में ठीक है ना ये आपके पास है तो अब यहाँ से जो है आप हर एक में कितने सैंपल है फाइव हैं तो जो नंबर ऑफ स्टोर्स आपने सेलेक्ट किया वो आपके सैंपल साइजेज है तो इसमें एन वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव है एन फोर फाइव तमाम सैंपल के साइजेसाइव है

अब फिर हमने ग्रैंड मीन निकाल लिया तो ग्रैंड मीन आप किस तरह निकालेंगे आप ये तमाम समेशन ऑफ ऑफ सबके वैल्यूज वैल्यूज को ऐड करके जो है टोटल नंबर से डिवाइड कर दें ये ग्रैंड मिन का फॉर्मूला तो ये ग्रैंड मीन का फॉर्मूला सबसे ऊपर मैंने सबसे पहले जो है ये आपको जो है बताया हुआ ये ये रहा आपके पास ये रहा ग्रैंड मीन का फॉर्मूला तो या तो इस तरह निकाल लें कि आप हर सैंपल साइज को सैंपल मीन से मल्टीप्लाई करके ऐड करें और एंट्री से डिवाइड करें या हर सैंपल मीन को ऐड करके के से डिवाइड कर दें किसी भी फॉर्मुले से निकालेंगे ग्रैंड मीन आ जाएगा जैसे हर सैंपल के मीन को ऐड करके के से डिवाइड कर दें हर सैंपल का मीन है ये 84 इसको ऐड किया 90 में प्लस 75.8 प्लस 78 और इसको डिवाइड कर दें यानी फोर से तो उससे भी यही वैल्यू मिल जाएगी एटी ठीक है तो ये आपके पास ये इन्होंने कौन सा फॉर्मला यूज किया ये आपने हर सैंपल मीन एक्स जे को एक्स जे बार को मल्टीप्लाई किया फाइव से या गया फोर इस तरह ये वाला फॉर्मूला है x ये वाला समेशन